कैसे आ रहा हूँ आप सभी को। मैं हूँ आपका अपना दोस्त भाई सुभद्रा। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दशहरा आने वाला है तो आपको बताइए। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर रावण बनते हैं, और मैं अब आपको जाकर बताऊँगा कि क्या प्राइसिंग रहती है, कितने फुट का रावण होता है, और क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहती है, और कितनी देर में वो बन के तैयार होता है, कितना टाइम लगता है रावण को बनने में। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। मिलते हैं आपसे माफी मारते। तो जय श्री राम आप सभी को। तो ये देख सकते हैं आप, आज मैं आ चुका हूँ रावण की मार्केट जहाँ पे रावण बनता है। और आज मैं आपको एक टू जेड चीज़ें बताऊँगा कि कैसे रावण बनता है और क्या उसकी प्राइसिंग रहती है, कितने फुट का होगा और क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहती है। तो ये मार्केट जो है एक्चुअली टैगोर गार्डन में पड़ती है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो सामने ही मेट्रो स्टेशन है। थोड़ा मेरा एक्चुअली कैमरा थोड़ा ख़राब है तो जूम करके आपको दिखेगा। अभी ये रावण का मुंह है और ये जिसके सामने भी रावण है सारे। तो आइए भैया से जानते हैं। शंकर रावण वाला, इनका नाम है शंकर रावण वाला, इनका नंबर भी दिया हुआ है। तो आइए भैया से पूछते हैं। नमस्कार भैया, क्या हाल चाल? क्या नाम है भैया आपका? शंकर रावण भैया। कैसे रावण बनता है और क्या कॉस्टिंग रहती है उसकी थोड़ा बताओगे मुझे? कैसे रावण बनता है और क्या कॉस्टिंग रहती है रावण की थोड़ा बताओगे आप? हजार रुपये फुट रहता है। और कितना टाइम लग जाता है रावण को बनने में? एक बनाते हैं नहीं, फिर भी एक रावण को बनने में कितना टाइम लगता है? कितने फुट का? 50 फुट का, 40 फुट का रावण बनने में एक दिन लग जाता है। ये इसका मुँह है भैया, ये देख सकते हैं भाई। तो चलिए अब किसी और भैया से पता करते हैं। ये भैया तो मूड में नहीं लग रहे हैं बताने को। पूरी मार्केट आप देख सकते हैं, सारे रावण ही रावण यहाँ पे हैं। वो ये देख सकते हैं यहाँ पे रावण बन रहा है। और ये भैया से जानते हैं। भैया बताओगे हमें थोड़ा सा कैसे रावण बनता है और क्या प्राइसिंग रहती है? बताना भैया। और कितना टाइम लगता है रावण को बनने में, एक रावण को? दो से तीन दिन लगते हैं। दो से तीन दिन। कितने फुट का रावण तैयार हो जाता है एक से दो से तीन दिन में? 40 फुट का रावण। और कॉस्टिंग क्या रहती है अगर मैं बात करूँ मिनिमम, कम से कम? 10-12 हज़ार रुपये। कितने फुट का रावण होगा वो? 40 फुट का। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने फुट का रावण बन जाता है? 60-70 फुट का बना लेंगे। कितने फुट का पड़ेगा वो? और अगर क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसी रहती है? जहाँ जाओगे दूर के हिसाब से पैसा होगा। वो आप इंक्लूड करके देते हो कि अलग से होगा उसका चार्जेस? अलग से। जैसे मान लो किसी को यहाँ पे आता है रोहिणी से, रोहिणी से जाने के कितने पैसे लग जाएंगे? कितने? 1500 रुपये। अच्छा, तो गाड़ी आप प्रोवाइड कर दोगे कि हमें लेके आनी पड़ेगी मतलब अपनी? तो ये मुंह है रावण का भैया, ये तो मुंह हो गया, बाकी का चेस्ट वगैरह? अच्छा, तो ये सामने आप देख सकते हैं ये चेस्ट है रावण की। पूरी मार्केट है यहाँ पे। तो भैया ने काफी अच्छे से बताया हमें कि 2 से 3 दिन में रावण तैयार हो जाता है और 1000 रुपये पर फुट रहता है चार्जेस उसके। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं रावण खरीदने का तो यहाँ पे आ सकते हैं आप। और जो भी देख के आएगा वीडियो उसको डिस्काउंट भी दे देंगे भैया अच्छा खासा। और ये देख सकते हैं आप, ये चेस्ट है रावण की, कम से कम ये जो है 20 फुट के आसपास होगा चेस्ट। उसके बाद इसका जब मुंह लगेगा तो अप्रोक्स 15 फुट का हो जाएगा वो मुँह, प्लस के बाद जो इसकी लेग्स आएंगी तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 50 से 60 फुट का रावण लग रहा है मेरे को। ये देख सकते हैं आप, काफी सारे रावण हैं यहाँ पे। पहले जो है शायद यहाँ पे दो तैयार होता है। आंटी क्या बन रहा है यहाँ पे वैसे? आंटी ये क्या बन रहा है? भैया
नहीं, इससे क्या होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो किस चीज से बनती है लई? अच्छा अच्छा, कितने रुपए का राउंड मिल जाएगा भैया कम से कम? वैसे आपके पास 15,000 से स्टार्टिंग है। अच्छा, ये जो छोटा राउंड है कितने का मिल जाएगा? 100-200 रुपए का। तो ये देख सकते हैं आप, बच्चों के लिए भी रावण यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही छोटा रावण है, काफी अच्छा लगी लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इस वीडियो के थ्रू। अगर आप भी दशहरा हमें रावण लेने का सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो